And just connect with the divine energies of these cards and understand that whatever card will be there for you, that will be the energy for the month of April. So, the guidance you can say, the message which is coming from the Creator. Okay, now this is. इंटरकेसेज and industries. Seven of Scrolls. Number one card. Number second. Let's take this card. This is the Divine Physician. Beautiful cards. Now I will explain you. ओके नाउ माई लवली पीपल देखिए मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप लोगों के लिए बंद कर दिया सो दैट आप इस कार्ड से अच्छे से कनेक्ट हो पाए यहां बात करते हैं आकाशिक टैरो का हमारे डेक की ये बहुत ही पावरफुल डेक है वन ऑफ द मोस्ट powerful डेक ऑन यू नो दिस planet अर्थ आकाशिक आकाशा से जो हमारे एक क्रिएटर की एनर्जी है ब्रह्मांड की एनर्जी है उससे कनेक्ट होकर ये कार्ड की आपको एनर्जी मिलती है थोड़ा डीपली नहीं समझा पाऊंगी आकाशिक डेक के बारे में जब आप वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे तो मैं जरूर बताती अब बात करते हैं सिर्फ अप्रैल की एनर्जीज अप्रैल की एनर्जीज क्या कह रही है आप देख रहे हो यहां पर एक पर्सन इज देयर कैन यू सी दिस पर्सन वन पर्सन इज देयर एंड ही इज मेकिंग दिस कैथेड्रल और मॉन्यूमेंट आप देख रहे हो कोई बिल्डिंग है कैथेड्रल है चर्च है और वो उसको बना रहा है साथ में बहुत सारे स्क्रोल्स पड़े हैं देखो ऐसे पेपर्स पड़े हैं नक्शा है और मैप है लेआउट है ये इससे इसके अकॉर्डिंगली बना रहा है इसके कोई ड्रीम्स है कोई नक्शा है कोई मैनिफेस्टेशन है कोई इसको काम मिला है एंड ही इज डूइंग दैट अब यहां से आप अपने आप को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे यू आर ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ योर लाइफ बट यू नीड लॉर्ड ऑफ स्ट्रगल लॉट ऑफ वर्क क्राफ्टमैनशिप योर डेडिकेशन कुछ ऐसे जिंदगी के सफर में निकल चुके हैं आप चाहे वो जॉब की बात करूं चाहे रिलेशनशिप की बात करूं चाहे हेल्थ की बात करूं चाहे घर में बात करूं कुछ ऐसी एनर्जीज में फंसे हुए हैं आप जहां पर आपको अपना हंड्रेड परसेंट देना पड़ेगा देना चाहिए जितना अपना हंड्रेड परसेंट देंगे उस, उस एरिया ऑफ लाइफ में अगर हेल्थ की बात करूं जितना अपने ऊपर काम करोगे उतनी जल्दी ठीक होगी अगर मैं आपसे बात करूं रिलेशनशिप की तो अपने रिलेशनशिप के अंदर माइन्यूटली छोटी छोटी बातों को अगर गौर नहीं करोगे छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर आप एनर्जी नहीं दोगे आप अपनी अटेंशन नहीं दोगे उनको गौर नहीं करोगे उनके साथ वक्त नहीं बिताओगे बहुत ज्यादा अपना वक्त अपने बिजनेस में नहीं दोगे तब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे यहां पर है एंट्री केसेज एंड इंडस्ट्री इंडस्ट्री इट इज नॉट अ स्मॉल बिजनेस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करना होता है इंडस्ट्री किसी भी चीज को अगर आप बढ़ाते हो जितना बढ़ाते हो उतनी मेहनत की जरूरत पड़ती है ये आपको लाइफ में पता है ये पर्सन अकेला अपना काम कर रहा है क्राफ्टमैनशिप कर रहा है एक एक मिनट इस मॉन्यूमेंट को बनाने में लगा रहा है सेम आपको अपनी लाइफ के अंदर अपना वक्त देना है घबराना नहीं है बिकॉज देर इज लॉर्ड ऑफ फियर आई कैन सी एनजाइटी मुझे दिख रही है कन्फ्यूजन दिख रही है इस टाइम लाइफ में क्या मैं सही पाथ पे हूं आप हंड्रेड बहुत ही ब्यूटीफुल पाथ पे हो आप लाइफ के उस मोड पे हो जहां पर आप लाइफ के अंदर सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो एवरीथिंग यू कैन मैनिफेस्ट बट फॉर दैट नीड टू गिव द डेडिकेशन यू नीड टू गिव योर सोल आपको अपनी आत्मा देनी पड़ेगी इस काम के लिए जिस भी काम में आप लग गए हो और ये आप एसेट बना रहे हो अपनी जिंदगी की आज इसका फल नहीं खाओगे आप आने वाले समय में आपके बच्चे आपके प्यार करने वाले उसका फल खाएंगे उसका फ्रूट इंजॉय करेंगे तो आप ये देख रहे हो छोटी सी बिल्डिंग नहीं बन रही है एक मॉन्यूमेंट बन रहा है एक कैथेड्रल बन रही है एक चर्च बन रहा है कितनी माइन्यूट देखो इसमें क्राफ्टमैनशिप है जो उसको करनी पड़ेगी छोटी छोटी बारीकियों से उसको काम करना पड़ेगा दिन रात लगना पड़ेगा बिकॉज कोई और नहीं कर रहा वो काम उसके साथ ही इज डूइंग ऑल अलोन तो जिंदगी में आप अकेले आए थे अकेले जाएंगे आपको ऐसे ही जैसे ये पर्सन कर रहा है दिन रात काम ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है अकेला लगा हुआ है साथ में उसकी बहुत सारी हेल्प है ये यहां पर स्क्रोल्स है पेपर के ऊपर बहुत सारा नक्शा दिया हुआ है तो भगवान ने भी आपको बहुत सारी गाइडेंस दी हुई है ये जो दूसरा कार्ड है ना ये भी एक्सप्लेन करती हूँ यू आर सो ब्लेस्ड आप इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि ईश्वर ने आपको इतना प्यार दिया है, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतना ज्यादा आपको साथ दिया है बताती हूँ कैसे अभी आता है कार्ड हमारा द डिवाइन फिजिशियन आप यहाँ पर देख रहे हैं एक एंजल है एक फिजिशियन है वो कैसे अपने हाथ से रेकी एनर्जी सेंड कर रहे हैं ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं विशेस दे रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं रेकी हीलिंग सेंड कर रहे हैं सो so, लाइफ के अंदर जब भी आप हार जाओगे ईश्वर एक एंजल के रूप में आपके पास है आप जब भी हारोगे जब भी आपको थकावट होगी इतना काम करके बिलीव मी जो आपके गुरु हैं या जिनको भी आप मानते हैं कोई बड़े हैं उनके पास जाके बैठिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए उनसे हीलिंग लीजिए ये कार्ड इतना ज्यादा पावरफुल कार्ड है सिक्स नंबर का कार्ड है माँ लक्ष्मी सिक्स नंबर माँ लक्ष्मी का जानते हैं ना छ नंबर वीनस छह नंबर का कार्ड है और यहां पर कार्ड नंबर था सात केतु जो मेहनत कराएगा जो आपसे अप्स एंड डाउन आपकी जिंदगी में लाएगा लेकिन आपको घबराना नहीं है अगर आप ईश्वर में इस रीडिंग में बिलीव करते हो जो डायरेक्ट ब्रह्मांड की तरफ से आ रही है और कहीं से नहीं आ रही जिस भी ईश्वर में आप मानते हो ये उनकी एनर्जी आ रही है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से चेंज कर दें सो सबसे पहले कॉमेंट सेक्शन में लिख दो थैंक यू गॉड उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप इस रीडिंग को रिसीव कर पाओ बिना चैनल को सब्सक्राइब करे बिना फॉलो करे रीडिंग को आप नहीं आप नहीं इस रीडिंग को अट्रैक्ट कर पाएंगे इस रीडिंग के एनर्जीज को नहीं ले पाएंगे कुछ ना कुछ आपको डिवाइन कनेक्शन देना पड़ेगा आपको एनर्जी एक्सचेंज देनी पड़ेगी वो आप इस रीडिंग को तभी ले पाओगे जब आप इस चैनल को फॉलो करोगे या आप सब्सक्राइब करोगे, करोगे चैनल को दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आकाशिक रीडिंग है ध्यान रखिएगा कोई छोटी मोटी रीडिंग नहीं है बहुत बड़ी भ्रमण की तरफ से रीडिंग आ रही है और अप्रैल मंथ के लिए बता रही हूं अप्रैल मंथ में माँ दुर्गा माँ काली का महीना है नवरात्रि आ रहे हैं अगर आप मानते हैं थोड़ा सा भी तो इस रीडिंग को भी प्लीज आपको मानना चाहिए इसको आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए डिवाइन फिजिशियन कहता है कि आपको हीलिंग की जरूरत है योगा करें मेडिटेशन करें प्राणायाम करें तब आप बहुत पावरफुल होके बैलेंस्ड होके अपने चक्रास को बैलेंस करके आप इतने तरी, इतने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को डील कर पाएंगे चाहे कोई नया बिजनेस कर रहे हैं और एक और कार्ड का मीनिंग बताती हूँ आप कोई घर नया ले रहे हैं कोई घर बनाना चाहते हैं कोई ऐसा है जो आपने प्रॉपर्टी का काम नया शुरू किया है कोई नए घर में प्रवेश किया है कोई नई बिजनेस को ज्वाइन किया है तो ये रीडिंग मिलियन परसेंट आपके लिए अगर आपका दिल घबरा रहा है इस टाइम अपने नए काम से तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको फल नहीं मिलता ये रीडिंग आपके लिए है क्योंकि नवरात्रा का महीना है अप्रैल 2024 कोई छोटा मंथ नहीं है उतनी ही रीडिंग पावरफुल आई है जितना पावरफुल ये मंथ है और ये हीलिंग आपको बताती है कि जो भी आपको प्यार करता है उसके पास बैठो हीलिंग रिसीव करो और कुछ नहीं तो आप किसी भी हीलर को कंटेक्ट करके रेकी हीलिंग ले सकते हैं कोई अच्छी सी नई विद्या सीख सकते हैं रेकी से रिलेटेड ताकि आप अपने आप को हील कर पाए और कुछ नहीं तो एक नॉर्मल सी कैंडल लाइट करें अपने प्रभु के सामने बैठें आंखें बंद करें और आंखें बंद करके अपने सांसों पे ध्यान दें आप मिलियन परसेंट मेरा थैंक यू करेंगे आपको कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है वो ठीक होती नजर आएगी त्राटक करें कैंडल लाइट करें और उसकी ज्योत को देखें उसकी लॉ को देखें एटलीस्ट फ्यू सेकेंड और आप कहेंगे कि प्रिया मैम मुझे लाइफ में बहुत अच्छा लग रहा है सो दिस इज अ ब्यूटिफुल टाइम कमिंग अहेड लेकिन इस टाइम से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप एक बहुत बड़ा रचना करने जा रहे हैं बहुत बड़ी रचना करने जा रहे हैं जीवन के अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं कुछ कुछ बड़ा करने जा रहे हो लेकिन आपका डर थकावट आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही आपको उन सब चीजों से ऊपर जाके मेहनत करनी है बिना मेहनत करे आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे छोटी छोटी बारीकियों को देखो चाहे वो रिश्ते में है हेल्थ में है बिजनेस में है जॉब में है और इतना जरूर कहूंगी अगर आपने कोई नई जॉब ज्वाइन किया बिल्कुल मत छोड़िएगा कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल मत छोड़िएगा एटलीस्ट सेवन टू एट उस उसपे लगातार काम करें ग्रीन कलर ज्यादा पहने थोड़ा सा और एक और आपको वो राय दूंगी या रेमेडी दूंगी जो बहुत जरूरी है डॉग्स को फीड करो ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी कल, कपड़ा या कंबल या कोई शॉल गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करो बहुत जरूरी है और माँ दुर्गा माँ काली माँ अम्बे माँ सरस्वती को याद करें एक घी का दीपक डेली मंदिर में जलाएं और हीलिंग रिसीव करें हीलिंग लें और कुछ नहीं तो जो मैं रेगुलर हीलिंग की वीडियोस पोस्ट करती हूँ उससे रे, रेकी हीलिंग जरूर रिसीव करें आप अपने जीवन में एक बहुत ही बेहतरीन चमत्कार देखेंगे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन विल एंटर इन योर लाइफ एंड यू विल से दैट अप्रैल मंथ इतने अच्छे से गया ना प्रिया मैम बिग थैंक यू टू यू सो आई डोंट वॉन्ट एनी थैंक यू बिकॉज क्रिएटर के काज है परमात्मा है जो आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं आई एम ओनली अ चैनल मेरी मोक्षा फैमिली आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूं अगर आप रीडिंग से कनेक्ट हो पा रहे हैं प्लीज डू सेंड मी द मैसेज एंड से थैंक यू गॉड इन द कमेंट सेक्शन प्लीज जरूर लिखेगा सो so दैट आप इस रीडिंग के एनर्जीज को रिसीव कर पाए थैंक यू सो वेरी मच विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी अप्रैल मंथ आई एम सेंडिंग यू मिलियन एनर्जीज ब्लेसिंग्स बहुत सारा प्यार भेज रही हूं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूं उनको रिसीव करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे एंड नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए एंड बिलीव दैट यूनिवर्स हैज माई बैक लव यू ऑल गॉड ब्लेस यू